आज अपन लेते हैं कवक का नेक्स्ट जीनस जिसका नाम है अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया की जो व्यवस्थित स्थिति है या सिस्टमेटिक पोजीशन है वो इस प्रकार है कि अल्टरनेरिया बिलोंग्स टू ए किंगडम माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन ड्यूटीरियो माइकोटीना, क्लास हाइफोमाइसिटीज, ऑर्डर मोनालियल्स, फैमिली डिमासिएसी एंड जीनस इज अल्टरनेरिया। तो ड्यूटीरियो माइकोटीना ही आपके कोर्स में एक ऐसा क्लास, ऐसा सब डिवीजन है जिसमें लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। तो अल्टरनेरिया आपके प्रथम वर्ष के सिलेबस में ऐसा जीनस है जिसमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। अब जो ये अल्टरनेरिया है ये कहाँ पर पाया जाता है या इसकी हैबिटेट कैसी होती है? तो अल्टरनेरिया की प्रजाति मृत जीवी भी हो सकती है एवं इसकी प्रजाति परजीवी भी हो सकती है। तो ये मृत जीवी भी, इसकी कुछ प्रजातियाँ मृत जीवी होती है, कुछ प्रजातियाँ परजीवी होती है। जो प्रजातियाँ मृत जीवी होती है वो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और जो प्रजातियाँ परजीवी होती है वो परपोषी पौधे पर भोजन के लिए आश्रित रहती है और उस परपोषी पौधे पर कई प्रकार के रोग फैलाती है। जैसे उसका एक एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया सोलेनाई। तो अल्टरनेरिया सोलेनाई आलू पर एक रोग फैलाती है और उस रोग का नाम है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो अल्टरनेरिया सोलेनाई यह एक परजीवी प्रजाति है जो आलू पर अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो नाम का रोग फैलाती है। अब कवकों में जैसा कि रोग मैंने आपको बताया कई प्रकार के रोग होते हैं, पाउडरी मिल्ड्रू होता है, कॉटनी मिल्ड्रू होता है, ब्लाइट होता है, स्मट होता है, कंड होता है। तो ब्लाइट से मतलब यह है कि जहाँ कवक का संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है, वो भाग जैसे जल गया हो, जला हुआ हो, ऐसा प्रतीत होता है, उसको ब्लाइट बोलते हैं। तो जो भाग जैसे सूख जाता है, जल जाता है, ऐसा प्रतीत होता हो उसको ब्लाइट बोलते हैं। तो अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक प्रजाति से आलू के अंदर अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो नाम का रोग होता है। अब इसके सिम्टम क्या है? अल्टरनेरिया सोलेनाई पौधे के जिस भाग में संक्रमण करता है उस भाग में ब्लाइट जैसे सिम्टम उत्पन्न होते हैं। वह भाग जला हुआ प्रतीत होता है एवं जो पत्ती होती है, पत्ती में इसका जो संक्रमण होता है तो बिल्कुल एक गोल घेरा का जैसे टारगेट बोर्ड होता है, टारगेट बोर्ड कोई निशाना लगाते हैं उस बोर्ड पर, ऐसा टारगेट बोर्ड नुमा संरचना बन जाती है। तो ये उसके लक्षण है। तो ये बिल्कुल गोल घेराकार संकेंद्री की टारगेट बोर्ड जैसी संरचना बन जाती है। तो इस संरचना को देख के अपन कह सकते हैं कि इस प्रजाति में अल्टरनेरिया का संक्रमण हुआ है। और जहाँ टारगेट बोर्ड जैसी संरचना बन जाती है या इसके संक्रमण से पौधे का ज़्यादातर भाग बिल्कुल सूख जाता है या जला हुआ, उस वहाँ पर क्लोरोफिलस टिश्यू मृत हो जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी मंद हो जाती है, फोटोसिंथेटिक या प्रकाश संश्लेषी क्रिया है उस भाग में रुक जाती है, परिणाम स्वरूप उसमें भोजन का निर्माण बहुत ही कम होता है जिसके परिणाम स्वरूप पौधे में
उत्पादन क्षमता, उत्पादकता घट जाती है, उत्पादकता कम हो जाती है। तो ये इसके संक्रमण के कॉन्सिक्वेंसेज है। संक्रमण होने से क्या क्या इस पौधे के साथ घटना घटित होती है, वो होता है कि इसमें फोटोसिंथेटिक एरिया कम हो जाता है, जिससे पौधे में उत्पादकता घट जाती है। तो अब इसका जो कायिक संरचना कैसे होती है, तो अल्टरनेरिया एक ऐसा कवक है जिसका कवक तंतु शाखित पट युक्त लेकिन बहु केंद्रकी होता है। अभी तक आपने जो कवक पढ़े हैं वो या तो अशाखित पट रहित थे या पट युक्त थे, तो एकल केंद्रकी या द्विकेंद्रकी थे। लेकिन अल्टरनेरिया एक ऐसा कवक है जिसमें प्रत्येक कोशिका बहु केंद्रकी होती है। तो इसका जो कवक तंतु है वो कवक तंतु शाखित पट युक्त और बहु केंद्रकी होता है। कोशिका भित्ति काइटेड की बनी होती है। भोजन का संचय तेलीय बूंदों के रूप में होता है या ग्लाइकोजन के रूप में होता है, एवं कोशिका में वो सारे कोशिकांग पाए जाते हैं जो एक यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। तो ये है इसकी कायिक संरचना। अब इसमें जनन, अल्टरनेरिया में जनन, तो जनन जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसमें लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। अल्टरनेरिया में केवल अलैंगिक जनन होता है, और अलैंगिक जनन जब वातावरण की परिस्थितियाँ अनुकूल होती है, वातावरण का टेम्परेचर, आर्द्रता, नमी अनुकूल होती है, उस परिस्थितियों में इसमें अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन के दौरान क्या होता है कि इसके कवक तंतु से एक कॉनिडियोफोर का निर्माण होता है, और उस कॉनिडियोफोर पर बहुकोशिकीय कॉनिडिया की श्रृंखला बनती है। और जब ये कॉनिडिया की श्रृंखला एपिडर्मिस के लंबवत बनती है, तो ये एपिडर्मिस को तोड़कर ये कॉनिडिया एपिडर्मिस के बाहर आ जाते हैं। तो इसके कॉनिडिया की खास बात यह है कि इसका कॉनिडिया बहु कोशिकीय होता है, और प्रत्येक कोशिका बहु केंद्र की होती है। अब इसका कॉनिडिया है, इसके ऊपर बीक नुमा संरचना होती है। तो इसका कॉनिडिया बहु कोशिकीय होता है, और ऊपर एक नुकीली संरचना होती है जिसको बीक बोलते हैं। जब ये कॉनिडिया कॉनिडियोफोर से टूटकर जमीन पर गिर जाता है, तब इसमें अंकुरण होता है, और अंकुरण के दौरान इसकी प्रत्येक कोशिका से जर्म ट्यूब का निर्माण होता है, और वह जर्म ट्यूब या ये कॉनिडिया किसी फ्रेश पत्ती पर जाकर गिरते हैं। उस फ्रेश पत्ती पर ये जर्म ट्यूब वात रंध्रों के माध्यम से मीजोफिल कोशिकाओं तक पहुंच जाती है, और उस मीजोफिल कोशिका के अंतराकोशिकीय स्थल में ये जर्म ट्यूब एक कायिक कवक तंतु का निर्माण करते हैं। जब कायिक कवक तंतु का निर्माण हो जाता है, तो उस कायिक कवक तंतु से पुनः कॉनिडियोफोर का निर्माण होता है। उस कॉनिडियोफोर पर कॉनिडिया की श्रृंखला का निर्माण होता है, और उस कॉनिडिया की श्रृंखला में जो सबसे ऊपर वाला कॉनिडिया है वो फिर टूट के वापस जमीन पर गिरता है या किसी फ्रेश पौधे पर गिरता है, और वहाँ पर वापस उसमें अंकुरण होता है।
तो इस तरह से इसमें केवल अलैंगिक जनन ही कंप्लीट होता है। अब इसकी परफेक्ट स्टेज जो एल्टरनेरिया है, एल्टरनेरिया की परफेक्ट स्टेज, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। इसकी परफेक्ट स्टेज का नाम दिया जाता है प्लियोस्पोरा इन्फेक्टोरिया। ये इसकी परफेक्ट स्टेज है। परफेक्ट स्टेज प्लियोस्पोरा इन्फेक्टोरिया, जिसको डिस्कवर किया था वेबस्टर ने। तो एल्टरनेरिया की परफेक्ट स्टेज को डिस्कवर किया था वेबस्टर ने, और इस प्लियोस्पोरा इन्फेक्टोरिया के अंदर इसकी लाइफ साइकिल को बिल्कुल डिस्कवर किया था। इसलिए इसका ये एग्जांपल परफेक्टोरिया इन्फेक्टो प्लियोस्पोरा इन्फेक्टोरिया परफेक्ट स्टेज के नाम से जानी जाती है। तो ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछते हैं। तो यह है कंप्लीट अकाउंट ऑन एल्टरनेरिया। खास बात इसकी यही है कि इसमें लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, केवल अलैंगिक जनन ही होता है। यही कवकों के सब डिवीजन आपके कोर्स में है जिसमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, केवल जनन सिंपल विधि द्वारा होता है, और वो विधि है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉनिडिया के द्वारा होता है, और कॉनिडिया इसमें खास ध्यान रखने की बात यह है कि साइज में बहुत बड़ा होता है, बहु कोशिकीय होता है, और प्रत्येक कोशिका बहु केंद्र की होती है, और प्रत्येक कोशिका से जर्म ट्यूब का निर्माण होता है जो वात रंध्रों के माध्यम से फ्रेश पौधे के मेसोफिल सेल में पहुँच कर वहाँ पर कवक तंतु का निर्माण करता है, और उस कवक तंतु पर वापस कॉनिडियोफोर का निर्माण होता है, और कॉनिडियोफोर पर कॉनिडिया का निर्माण होता है। ये है इसकी साइकिल। ये जो रोग फैलाता है, उस रोग का नाम है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटेटो, और फैलाने वाले स्पीशीज का नाम है अल्टरनेरिया सोलेनाई। सिम्टम है इसके टारगेट बोर्ड जैसे सिम्टम होते हैं। ये इसकी कुछ खास बातें हैं। थैंक यू।